एमएलए बनूं या ना बनूं, ये अलग चीज है। आखिर सांस तक मेवात के लिए और कौम मिल्लत के लिए दमदारी से काम करूंगा। और जो इस मेवात के अंदर खाकी वर्दी आप लोगों को परेशान करती है, इसका मैं डट कर मुकाबला करने के लिए आपके साथ तैयार हूं। दोस्तों, हमेशा से चर्चाओं में रहने वाले अताउल्लाह एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। दरअसल पुनाना विधानसभा से जेजेपी एएसपी पार्टी से चुनाव लड़ रहे अताउल्लाह जब काउंटिंग सेंटर से बाहर निकले तो उन्हें देखने के लिए मेवात के युवाओं की भीड़ वहां जमा हो गई। और ये कहा जाता है कि हार कर भी जीतने वाले को ही सिकंदर कहा जाता है। दरअसल ऐसा ही कुछ देखने को मिला है इस वायरल वीडियो में। आइए एक नजर डालते हैं इस वायरल वीडियो पर। अताउल्लाह मैदान में आते हुए भाई, अताउल्लाह खैर नहीं, अताउल्लाह अताउल्लाह फैन बोले देखो सुनो, मुझे ये पता था चुनाव कौन सी दिशा में जा रहा है। बिल्कुल मेरी हिम्मत ना हारी, आप लोगों का मेरे को पता है, आप लोगों ने जो निर्णय लिया है वो सूझबूझ के लिया है, फल ने लिया है। आप इसी सूझबूझ पे आगे चल के काम करें, वोट कम आना ज्यादा आना ये मुकद्दर की बात है। लेकिन मेवात के लिए और कौम मिल्लत के लिए दमदारी से काम करूंगा। और जो इस मेवात के अंदर खाकी वर्दी आप लोगों को परेशान करती है, इसका मैं डट कर मुकाबला करने के लिए आपके साथ तैयार हूँ। दुनिया के अंदर चल रही नफरत को लेकर आप हम सब मिलकर काम करेंगे, 36 बिरादरी के लिए भाईचारा का पैगाम देंगे। लेकिन बीजेपी की हरकतों को जड़ से मिटाने का कार्य मैंने यह कदम रखा था वो अलग चीज है, वोट कम आना ज्यादा आना कोई मायने नहीं रखता। अगर मेरे लिए 1000 वोट भी मिली तो वो 1000 वोट भी 1,00,000 वोट बनने के लिए तैयार हूँ। 1000 वोट अगर मेरे को मिली तो मेरी फेस पे मिली, 500 मिली मेरे फेस पे मिली। रहा मसला इस चीज का, अच्छे अच्छे उद्योगपति मैदान छोड़ के चले गए, मैं मैदान में रहा, सांस तक मैंने लड़ाई लड़ी और दो पैसा किसी का दाग मेरे नहीं लग सकता। मेरे चुनाव लड़ा है वो चुनाव मैदान में बरकरार तुम्हारे सामने रहा।
भाई।